12 नंबर, 12 नंबर में देखिए दिया हुआ है, 12 नंबर में कि fx इक्वल टू में है आपके पास 6 × 6 प्लस का 12x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से f डैश x क्या निकल के आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, बच जाएगा 12 प्लस का 6x माइनस का 6x स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं 6 को, 2 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 6 × आ जाएगा 2 प्लस का 2x माइनस का x माइनस का x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट होगा तो x मल्टीप्लाई होगा तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, 6 × में 2 कॉमन होगा 1 प्लस का x आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और फिर माइनस का x कॉमन होगा 1 प्लस का x यहाँ आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, 6 × में 1 प्लस का x और इंटू में 2 माइनस का x, ये आपका f डैश x यहाँ से आ गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर f डैश x इक्वल टू में 0, यानी हो जाएगा 6 × में 1 प्लस का x और इंटू में 2 माइनस का x इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू एक माइनस का 1 आएगा, एक प्लस का 2 आएगा। तब हम लोग यहाँ देख सकते हैं साइन स्कीम ऑफ f डैश x, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, माइनस का इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 2 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके बीच में देखिए क्या ले सकते हैं, यहाँ पे -2 ले सकते हैं, -2 पे ये निगेटिव हो जाएगा, -2 लेंगे पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ही होगा। चलिए यहाँ देखिए इसके बीच में 0 लेते हैं तो 0 पे ये पॉजिटिव और ये 0 पे पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 होगा, या 3 लेते हैं 3 पे ये निगेटिव ये पॉजिटिव तो निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में कि एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर है इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 2, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और इंटरवल -1 से 2। दूसरा हम लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इफ x belongs to -1 - infinity to -1 union 2 से infinity, therefore fx is decreasing on interval -infinity to -1 union 2 से infinity। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब